वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पैदा हुए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9/12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी जिस साल आपकी विलादत हुई उसे आमुल फिल क्यों कहा जाता है? उस साल यमन का हाकिम अपना खाना काबा को ढाने के लिए एक बड़ा लश्कर। जिस साल आपकी विलादत हुई उसे आमुल फिल क्यों कहा जाता है? उस साल यमन का हाकिम अपना खाना काबा को ढाने के लिए एक बड़ा लश्कर लेकर आया था। उस लश्कर में हाथी भी थे, मशहूर हो गया। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए? जी हाँ, आप यतीम पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद दया का काम किस खातून ने किया? हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की वालिदा सिफा बिन्त इमरान ने अंजाम दिया। आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम क्या था, किसने रखा? आपका दूसरा नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था और यह नाम आपकी वालिदा ने रखा। मोहम्मद और अहमद का क्या मतलब है? मोहम्मद का मतलब जिसकी उसकी खूबियों के बिना पर खूब खूब तारीफ की जाए, और अहमद का मतलब जो खूब तारीफ करने वाला हो। आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन किन औरतों ने दूध पिलाया? सबसे पहले आपकी वालिदा ने और दो तीन वर्ष के बाद अबुल हक की नानिया सोफिया ने, उनके बाद हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रजाई बाप का क्या नाम था? आपका रजाई बाप का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा था। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ कितने साल रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ 4 साल रुके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह था। वालिदा का नाम बीबी आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा दादी और नाना नानी का क्या नाम था? आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, दादी का नाम फातिमा, नाना का नाम वहब और नानी का नाम वहबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के कितने भाई थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद 10 या 12 भाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी फूफियाँ थी और क्या क्या नाम था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 फूफियाँ थी, हजरत सूफिया, हजरत उम्मे हकीमुल बैजा, हजरत आतिका, हजरत उमैमा, हजरत अरवा,
हजरत हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा इस्लाम लाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो चचा इस्लाम लाए, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरैश का लकब सबसे पहले किसको मिला? कुरैश का लकब सबसे पहले हजरत इब्ने काना नाको मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा माजिदा और दादा साहब का इंतकाल कब हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 6 बरस की हुई तो वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया, और जब 8 बरस की हुई तो दादा साहब का इंतकाल हो गया।